हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं देखिए छत पे धूप में बैठी हुई थी, बट धूप अब चली गई है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और देखिए मैंने शॉल भी लेके रखा हुआ है और स्वेटर भी। और कल तक इतनी ठंड नहीं थी, बट आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और देखिए अजीब से हाथ पैर भी अजीब सी ड्राई हो गई है, स्किन भी। और देखिए मैंने स्वेटर भी पहन के रखी है और शॉल भी ले करके रखी हूँ। और बहुत ठंड लग रही है मेरे को। सबसे ज़्यादा ठंड ना कानों में लगती है और हाथों में भी बहुत ठंड मेरे को लगती है। तो कैसे हैं आप सब। बाहर बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो देखिए आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई हुई है। तो बड़ी बिंदी मेरे ऊपर कैसी लगती है बताइएगा कमेंट करके। और अधिकतर टाइम में छोटी बिंदी लगाती हूँ, बट आज मैंने बड़ी लगा ली है। बहुत सारे पैकेट ऐसे रखे हुए थे तो मैंने सोचा आज लगा के देखती हूँ। और दिवाली के दिन भी मैंने लगाई थी। अभी अभी मैं छोटी बिंदी लगाने लगी हूँ, बट पहले मैं बड़ी बिंदी ही लगाया करती थी ऐसे ही। तो अभी कैसी लगती है मेरे चेहरे पे बताइएगा कमेंट करके। और कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है। और अभी तो हमारे इधर बस ठंडी 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 हो गई है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो देखिए मैं आज बनाऊंगी डिनर में ड्रमस्टिक या सहजन की फली। इनको कहीं कहीं पर मुनगा की फली भी बोला जाता है, तो हम लोग इसको सहजन की फली बोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल ताज़ी है और अभी लेके आए हैं इनको। और अब मैं इनको छील लेती हूँ, मैं छील कर ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने छील करके और काट लिया है। इसको मैं आलू टमाटर के साथ में बनाऊँगी। तो ये देखिए आलू को मैंने उसी के साथ में कट कर लिया है और एक प्याज लिया है मैंने, उसको भी काट लिया है। और 3 से 4 टमाटर लिए हैं। और रिफाइंड ऑयल मैंने रख दिया था पतीले में गर्म होने के लिए, तो वो गर्म हो गया है। तो अब मैंने उसमें डाल दिया है प्याज। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मसाला। तो मसाले में मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च ली है। और इसके बाद मैं लूँगी इसमें धनिया पाउडर, तो जो 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है। और इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें हल्दी, तो हल्दी मैं 1/2 चम्मच ले रही हूँ। और इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक थोड़ा हम पहले ही डाल देंगे, क्योंकि जब ये पकता है ना, तो फिर जब नमक नहीं डालते ना, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बिना नमक वाला पानी इसमें चला जाता है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं नमक को पहले ही डाल रही हूँ। तो नमक मैंने डाल दिया है और थोड़ा बाद में भी डालेंगे, बट मैं पहले ही इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। तो अब ये मसाला बना करके हम लोग डाल देंगे, जो प्याज हमारी सिक रही है उसमें। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मंदी आंच में ही हमको भूनना है। और भूनने में काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। तो अब हम काट लेते हैं इसको टमाटर। और टमाटर को अच्छे तरीके से देख करके मैं काट रही हूँ, क्योंकि आजकल टमाटर भी अजीब सी स्मेल मारते हैं अंदर से काटने में, तो वही मैं सूंघ करके देख रही हूँ। और अब हम इसको काट लेते हैं। और टमाटर का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, जो हरा हरा होता है, या टमाटर जहाँ से लगता है, वो वाला हिस्सा मैं काट करके फेंक देती हूँ, क्योंकि उसको नहीं डालना चाहिए, तो वो मैं काट के फेंक देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं टमाटर काट लूँगी। और जब हम इनको आलू टमाटर में बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। और टमाटर खट्टे वाले होना, तो इनका जूस बिल्कुल खट्टा निकलता है ना, जब इनको हम चूसते हैं या मुँह में खाते हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि लकड़ियाँ जो निकलती हैं वो तो हमको फेंकना ही है। तो बहुत टेस्टी लगती हैं आलू टमाटर के साथ में, और अरहर की दाल के साथ में भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। बट मैं अधिकतर टाइम इनको आलू टमाटर के साथ में बनाती हूँ, क्योंकि टमाटर का जो ग्रेवी तैयार होता है ना, जो जूस तैयार होता है ना, वो एकदम टमाटर सूप के जैसे लगता है। तो इसीलिए हमारे घर में इसको टमाटर के साथ में ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मसाला भुन रहा है और इधर मैंने टमाटर भी काट लिया है। और टमाटर को मैंने बारीक बारीक ही काटा है, आप भी इसी तरीके से काटिएगा। तो ये देखिए टमाटर भी हमारा कट गया है और मसाला उधर हमारा भुन गया है। और मसाला भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बट 5 मिनट तो लग ही जाता है, क्योंकि मैं देखिए थोड़ी सी मंदी आँच से थोड़ा सा तेज़ आँच में भून रही हूँ, मीडियम पर। इसको फुल पे भी नहीं भून रही हूँ, क्योंकि फिर मसाले का टेस्ट अजीब हो जाता है। तो देखिए मसाले को एक बार और चला लेते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं टमाटर, जो टमाटर हमने कट किया है। तो ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया है। और टमाटर को अच्छे तरीके से पकने तक अब हम इसको चलाएंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा टमाटर, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है ना, तो टमाटर थोड़ी देर में पकता है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, क्योंकि ये ताज़ी ही है, फिर भी मैं इसको पानी में डाल करके अच्छे से धो के फिर इसमें डालूँगी। तो देखिए दूध भी हमारा आ गया है, और अब मैं दूध भी जो आ गया था तो मैंने उसको भी रख दिया है एक तरफ गैस पे, वो भी साथ साथ में गर्म हो जाएगा, वरना मैं निकाल के दूध जब रख देती हूँ ना गैस पे गर्म होने के लिए, तो फिर भूल जाती हूँ अगर अकेला दूध होता है तो।
तो दूध जो है मेरा निकल जाता है, अधिकतर टाइम यही गलती होती है, तो इसलिए मैं इसको साथ साथ में गर्म कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग काम करने के बाद में दूध अगर रखते हैं ना तो वो भूल ही जाते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ, और इसीलिए मैं इसको सब्ज़ी वगैरह के साथ में या इस तरफ रोटी बन रही हूँ तभी इसको गर्म कर देती हूँ, ताकि हम लोग वहीं पर देखते रहें और वहीं पर हमारा दूध गर्म हो जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे, हमारा टमाटर जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्रमस्टिक और ये जो आलू जो है हम लोगों ने कट करके रखा था, इसको डाल देंगे। तो ये देखिए साफ़ पानी एकदम निकला है, क्योंकि ताज़ी ही थी और मैं कई बार धो करके सब्ज़ी बनाती हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि इस टाइम में धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ, और इसको सनसी से पकड़कर ही चलाना क्योंकि पड़ता है, क्योंकि ये कड़क होती है ना। देखिए मैं बिना सनसी के, एक हाथ में मेरा कैमरा है और एक हाथ में मैं इसको चला रही हूँ, तो ये अच्छे से नहीं चल पाती हैं क्योंकि ये लकड़ी के जैसी ही होती हैं बिल्कुल। तो ये देखिए कितनी टेस्टी दिख रही हैं, और अब थोड़ी देर इनको गर्म होने देते हैं हम, और अब मैंने इसको ढक दिया है, कम से कम 10 मिनट तक अब हम इसको ढके रहेंगे, क्योंकि ये जो पक जाती है ना बिना पानी के तो ये बहुत टेस्टी लगती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं, अगर हम इनमें अभी पानी डाल देंगे ना तो ये पकेंगी नहीं। तो तब तक मैं लेके आ जाती हूँ आटा, तो आटा भी मेरे को लगाना ही है। तो देखिए मैं आटा ले करके आ गई, अब हम इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डाल करके हम लोग आटा खाते हैं। कई जगह रोटी जो है बिना नमक की बनाई जाती है, बट हमारे इधर भोपाल में नमक डाल करके ही हम लोग रोटी बनाते हैं। तो ये देखिए आटा मैं गूंद लेती हूँ इसके साथ साथ में, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो साथ साथ में ही मैं इस तरीके से रेगुलरली काम करती रहती हूँ, तो जल्दी हो जाता है काम। तो आटा भी लगा लेती हूँ साथ साथ में, और तब तक हमारा सहजन जो है हल्का सा सीज जाएगा, इसके बाद में मैं उसमें डालूंगी पानी, और पानी जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि इसको बॉईल होने में या पकने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम आधे से 30 से 40 मिनट तो इसमें कम से कम लग जाता है, फुल फ्लेम पर भी हम पकाते हैं फिर भी, क्योंकि ये कड़क बच जाती है ना, तो फिर इसको खाने में बच्चे जो है मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा पकाती हूँ क्योंकि बच्चों को खाने में दिक्कत नहीं होती, और इसके अंदर तक का जो जूस है, जो अंदर का इसका फ्लेवर है वो बाहर आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती हैं ये। तो अब हम इसको 30 से 40 मिनट तक ढक देंगे, और इधर मैंने दूध को भी ढक दिया जाली वाली प्लेट से। तो देखिए मैं किचन से बाहर आई, तो ये दोनों बहन भाई देखिए कर रहे हैं शैतानी, और ये इसी तरीके से शाम को या तो छुपन छुपाई खेलते हैं या इसी तरीके से शैतानी करते हैं, ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए सबसे ज़्यादा बिटिया मेरी मारती है उसको, वो तो समझदार है, तो सोचता है इसको लग जाएगी कहीं चोट लग जाएगी, और देखिए दोनों इसी तरीके से शैतानी करते हैं, तो देखिए दोनों किस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं। और आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने घर की एक्टिविटीज़ जो है आपको इसी तरीके से बताती रहूं। और देखिए किस तरीके से दोनों शैतानी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके ही जाएं, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अपने बच्चों के शैतानी के साथ आज मैं करती हूं अपनी वीडियो का एंड, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।